the media is destroying our tawakkul. Exactly. Movies and these songs. बिल्कुल बिल्कुल. मीडिया अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग्स के लिरिक्स चेक करें, हाँ, आपको ये ना समझे सुनते एक तो जहालत करते हैं ना आप, ये बात आ जाती है. एक देखें, एक तो दौरे जहालत की कुछ चीजें याद हैं. दूसरा देखें, जरूरी नहीं है कि कोई गाना अगर मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ तो वो सुना हुआ. नहीं, बिल्कुल सही. जाहिर है कि हमारा वो देखा भी रिसर्च हमारी है. एंड आई बिलीव अली भाई, दिस इज व्हाट मेक्स ऑल ऑफ अस वेरी डिफरेंट, बिकॉज वी कम फ्रॉम द सेम पीपल. मतलब वी वर नॉट लाइक दिस. एग्जैक्टली. शेख अली को तो बड़े लिरिक्स याद हैं. सही बात है. मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी है. सर्च करके बोले कोई आपका जो है ना, आप मेमोरी डिलीट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप डिलीट करना नहीं चाहते. अस्तगफरुल्लाह. बहरहाल मैं बताना चाह रहा था कि नहीं, आप अगर लिरिक्स देखें, दे आर डिस्ट्रॉइंग टॉक. बिल्कुल. वो खुदा बनाया हुआ है, माशूका का खुदा बनाया हुआ है कि इसकी वजह से मेरी जिंदगी है. और वो जो नाकाम आशिक होते हैं, उनको बजाय कि उधर से निकालने के, उनके लिए भी वो सॉन्ग्स बने हुए कि नहीं, अब मैं इसी के पीछे पढ़ूंगा, यही मेरा खुदा है, इसी की तरह मैं लुक फॉरवर्ड करूंगा. चलो अगर मैं तड़प रहा हूँ, ये भी बड़ी अच्छी बात है. यानी लिरिक्स का क्रक्स ये है ना, हमारे बाप दादा के जमाने का ना, कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है. ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है. ये फतवा लगेगा. नहीं तो बेसिकली से क्या दे जाए कि तू अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है. ऐसी कि तू मुझसे कैसे चलेगी ना, तुझ में रब दिखता है. हाँ, अल्लाह माफ करे. इससे क्लियर कट क्या हो सकता है? अच्छा, ये रब भी, रब जो है वो पालने वाला होता है. जरा आप देखें कि पालने वाला अल्लाह ताला का जो एट्रीब्यूट है वो एक माशूका को दिया जा रहा है. अच्छा, साहबा को अगर देखे ना कि within a span of few years एक ऐसे barren land में, अरब में, जहाँ पे लोग डालते नहीं थे हाथ के, इनको क्या गरीबों फकीरों को पकड़ना, ठीक है ना. ऐसी, और वो आपस में उनकी नस्लों में जंगें चल रही थी, औस और खजरत में छोटी छोटी बातों पे जंगे, कत्लो हरत हो रहा है, ठीक है ना. कोई गोल्ड सिल्वर था वहाँ पे, ना कुछ था. How did these people rose and you know rise and they conquered Spain. मतलब वर्ल्ड ने इनके बारे में कभी नहीं सोचा था कि यार ये भी कभी उठ सकते हैं. स्पेन से लेके ग्रेनाडा से लेके न्यू दिल्ली तक इनकी एस्टैब्लिश होगी सल्तनत. क्यों? क्योंकि इनमें क्या था, इनका तवक्कल था बुतों पे बहुत सारे. एंड व्हेन द वही केम एंड इट डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ द बुट्स, फिजिकली नहीं, मेटाफोरिकली इन देयर हार्ट्स, उन पे खत्म कर दिया जिसको सालों से पुकार रहे थे, उन्होंने कभी जन्म दिया था. एंड उस कनेक्शन को बिल्ड किया रब्बुल आलमीन से, जो कि आसमान और जमीन का मालिक है. आपको पता है उमर खत्ताब के दौर में जब एक पर्शियन किंग को लाया गया, अब वो जनरल था वो, ठीक है, बड़े हाई पोस्ट का, तो वो भी खताब को देखा और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और उससे मेरे खताब ने पूछा कि व्हाट हैपेंड, नो व्हाट हैपेंड, व्हाई इन दिस स्टेट, यू आर द वंस. आपको पता है ये जो पर्शियन किंग्स ना, इनके ये ऑरा और ग्रैंडियर बहुत मैटर करता था. इनके जो तख्त होता ना, ह्यूज तख्त, और इनके सरों के ऊपर 90 kgs ऑफ गोल्ड होता था. 90 kgs of gold कैसे होगा? Which neck handle do you need for that? Basically वो छत से ना एक hover कर रहा होता था ऊपर, और वो जब आके नीचे बैठते थे ना तो उनके सर पे होता था वो ऐसे, और वो इतना magnificent होता था कि लोग आते ही उनके महल में सजदे में गिर जाते थे. तो उन्होंने कहा, उमर खत्म कहा, you are at that place and you are here now. What happened? तो उसने तो ये जवाब दिया, वो पहचान गया था मुसलमानों को. बड़ी रिसर्च करते हैं, कहते हैं कि जब when the fight was between us and you, it was easy. But how can one fight with the one above the heavens? बड़ा गीदा पक्का था यार उसका. कि जब दिल में पता था, दिल में पता था ना कि जब हम तुमने तो पीनट्स था यार, ये क्या बात थी. लेकिन जब तुम्हारे सब रब आ गया ना, फिर हम कैसे लड़े रब से. ये तो शैतान को भी पता है ना, इन्नी अखाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन, कहेगा कि छुट्टी करो, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैंने तो वसवसा डाला था, किया तो तुमने. तो इस लेसन से ना, अगर एक बंदा ये चीज ले जाना कि अल्लाह ताला संभाल लेगा, अल्लाह हर चीज, बस आपने ये करना, आपका काम क्या है, आपने अल्लाह के साथ सिंसियर रह के गुनाहों की लाइफ को छोड़ना है, अपने अल्लाह के साथ अपनी सिंसियरिटी शो करनी है, आपने तौबा इस्तगफार करना है. अल्लाह गुनाहगार की तो सुनता है, अल्लाह गुनाहगार की तो दरवाजे खोलता है. और आपने अल्लाह को अपना दोस्त बनाना है, फिर देखें आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल्स होंगे ना कि आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा. अल्लाह आपको वहाँ वहाँ से रिस्क देगा, वहाँ वहाँ से सेहत देगा. इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें ना, कहते हैं वो इदा मरिस्तुफा वो यशफीन, जब बीमार तो वो शिफा देता है. और हमेशा कहा इन्नहु काना बिहफिया. अब ये इब्राहिम कह रहे हैं कि वो हमेशा मेरे पे ना बहुत रहम करने वाला है. अब इब्राहिम का ये कहना था, क्यों? क्योंकि हदीस में आता ना कि अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ. सो अल्लाह ताला ना कुरान में फ़मा ज़न्नुका बिरब्बिल आलमीन, तुम्हारा रब्बुल आलमीन के बारे में क्या ख्याल है, क्या गुमान है.
अगर तो तुम्हारा पॉजिटिव गुमान है तो वो तुम्हें संभाल लेगा और तुम्हारा एटीट्यूड ही पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ट्रू डिपेंडेंस इज चेंज्ड बिहेवियर, इट्स नॉट मेयर वर्ड्स, इट्स अ चेंज्ड बिहेवियर। बिल्कुल बिल्कुल। और याहिया अलैहिस्सलाम को देख लें, सॉरी जकरिया को, उनके वालिद को, बूढ़े हो चुके हैं, सफेद बाल हैं और हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन कहते हैं कि वलम अकुम बे दुआ कर रब्बी शकिया, कि मैं कभी भी आपसे दुआ करके मायूस नहीं हुआ, आपसे मांग रहा हूँ। तो जब बूढ़े इंसान को इसकी हड्डियां वीक हो, उसको अल्लाह औलाद दे सकते हैं, तो आपकी परेशानियां हल करना अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं है, तो अल्लाह को अपना दोस्त बनाए। यानी फाइनल वर्ड्स इखवान, इंशाल्लाह फाइनल वर्ड यही है, बॉलीवुड मूवीज से दूर रहें। दे विल डिस्ट्रॉय यू, योर आखरा, योर दुनिया, योर कॉन्सेप्ट्स, अकीदा हर चीज है। अगर अकीदा गया तो आप तबाह हैं, आप चाहे नमाजें पढ़ लें जो कर लें, लेकिन अकीदा ख़राब हो गया ना, अगर आप अल्लाह से ऊपर किसी और को समझने लग गए, इट्स ओवर, गेम इज़ ओवर। अगर इक्वेशन में अल्लाह है तो सब कुछ है, अल्लाह नहीं है, गेम इज़ ओवर। तो एक तो बॉलीवुड मूवीज से इज्तनाब भी करें, दूसरों को भी बचाएं। देखें हमें जो टारगेट कर रहे हैं ना वो बॉलीवुड, क्योंकि लैंग्वेज सेम है, हॉलीवुड इरेलेवेंट है हमारे लिए, वो और ही एक है, वो भी जाहिर है नहीं देखनी चाहिए, लेकिन मैं वो ज्यादा लोगों को लिरिक्स वो समझ नहीं आती। मैं इनकी इसलिए बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने हमें टारगेट किया है, इनके गाने आप सुन लें, क्योंकि इनकी ना माइथोलॉजी में लव, इश्क वो, और डांस और म्यूजिक, इसका ना बड़ा एक वो मजहब, ये इनका मजहब। तो ये हमारे बच्चे का अकीदा हर्ट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं टिकटॉक में इंडियन गाने। ये माओं को देखना चाहिए उनकी औलाद क्या देख रही है, किस तरह की मूवीज देखते हैं वो, खुदा के लिए अपने बच्चों को इससे निकाले। मैं तो समझता हूँ जिस बंदे का अल्लाह पे ईमान है और आखिर के दिन पे ईमान है ना, उसके फोन में टिकटॉक नहीं होना चाहिए। सही, आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, उसके फोन में ना, मतलब द वन हु बिलीव्स अल्लाह इन द लास्ट डे शुड नॉट हैव दिस एप्लीकेशन टिकटॉक इन हिज फोन, क्योंकि इसमें 97% गंद है, maybe 3% खैर होगी, लेकिन दिस एप्लीकेशन तक पहुंचने के लिए भी जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं ना, आप गंद तक गंद से गुजर के आप स्क्रॉल कर रहे हैं, और दिस एप्लीकेशन इज डिजाइंड इन अ वे जिसमें अपने बॉडी को शेक करने और पीछे म्यूजिक और फील दैट, सो यू शुडंट हैव दिस एप्लीकेशन।